जब जीतने का समय आया तो प्रकाश जारवाल को झुग्गियों की याद आ गई, ठीक है, नाली में पानी बह रहा है, लैटरिंग बह रही है, हम लोग इतने इतने पानी में से निकल के जाते, 5 साल के बाद एक बार भी दोनों के दोनों नहीं घुसे अंदर आ गए, दोनों मतलब मियां बीवी, बाबूनी की बीवी भी नहीं घुसी, घुसी और वो भी नहीं घुसा एक बार भी। सच्चाई है बिल्कुल, हम लोग तो उसके तार में बैठे हुए हैं। आप क्या इस बार परिवर्तन करना चाहोगे? बिल्कुल करेंगे, हम तो जनता के साथ है। आप क्या बोलना चाहोगे बहन जी? मैं यही हूँ, सारी नाली मोरी बननी चाहिए जो खराब पड़ी है। अच्छा, बंदोबस्त खराबी है। हाँ। आप क्या क्या ये सारी नालियाँ भरी पड़ी है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो नालियाँ भरी पड़ी है इनका सुधार होना चाहिए, बाकी सब काम ठीक है उनका, कोई परेशानी नहीं है, मगर प्रकाश जारवाल आज 5 साल में दूसरी बार आए यहाँ पर, एक बार जब आए तब इलेक्शन हुआ था और आज आए, बता रहे मैंने तो देखा भी नहीं उन्होंने, इसीलिए आए थे, अब हमें नहीं पता आए थे कि नहीं आए थे, बता रहे एक बार भी नहीं आया बेटा, एक बार भी नहीं घुसा वो, तो आप लोगों के अलावा कभी नहीं घुसा, मैं तो आके दर्शन भी नहीं करे उसने, पहले क्या नाम है आप? रामजीलाल मन नाम जी, आज तक नहीं आया, चार बार ऑफिस में जाके आए हम और चारों बार कहाँ हो जाएगा, वोट इस बार बदलेंगे, बदलेंगे और क्या करेंगे, जो मर्जी को देंगे वोट करेंगे, वो तो हम जिसको दें हमारी भैया, जो मर्जी होगी जिसको देंगे, वोट की कोई बात नहीं है, और एक बात है जो काम नहीं हो रहा इंसान वो तो बोलना पड़ेगा ना, अब देख रहे पानी भी इसी में जा रहा पीने का हमारा, ऑफिस में जाते हैं हमको क्या कहा जाता है कि जाओ हो जाएगा, और हम इंतजार करके रह जाते, इतनी लड़ाई झगड़े होते नालियों के पीछे, गलियां इतनी टूटी फूटी पड़ी है बहुत ही ज्यादा। देखिए असली बात क्या है, ये बात ये नहीं है कि वोट किसको देंगे, सबसे बड़ी जो बात है ना, हमारे क्षेत्र का जो विधायक है प्रकाश जारवाल है, वो आज शायद दूसरी बार आके गए, हमने देखा नहीं कब निकल गए, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है, हमारी नालियां हमेशा भरी रहती हैं, सफाई का नाम का कोई चीज नहीं है, और दूसरी बात है रोड देखो आप आगे कितने खराब हो गए, अगर 10 छींटे पड़ जाएंगे ना ऊपर से बारिश के, तो निकलना भारी हो जाता, दो दो चार चार टन तक कैमरा आज तक नहीं लगा, कैमरा भी नहीं, एक भी नहीं, तो केजरीवाल दावा करते हैं कि कैमरा मैंने चप्पे पे लगा, नहीं नहीं बहस चल रही है यहाँ, बहस चल रही है, मुंह देख के टीका निकाल, गली में हमारी गली में लगा नहीं, हमारी गली में नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपने देखा है क्या कोई चीज को, मैं जगदीश पड़ोस से खानदान बोल रहा हूँ, ठीक है, आपने देखा है क्या कहीं भी कैमरा नहीं लगे हैं, कहीं भी कुछ नहीं, अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ पे खेत रहे हैं, यहाँ पे ही हम भी, नहीं देखिए सुनो मेरी बात, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, जो सुविधाएं उन्होंने दे रही है दिल्ली सरकार, जो गवर्नमेंट सुविधा दे रही है वो हम सब ले रहे हैं, सब यूज कर रहे हैं, 4 महीने से बिल नहीं आ रहा हमारा, और जो भी सुविधा है वो भी उन्होंने, तेरी गली से मतलब रखना, बात सबसे मेन जो है, जो हमारी नाली वगैरह जो खराब है इनको ठीक कराया जाए, जबकि इस पर ध्यान नहीं दे रहे, बाकी जो सुविधा दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया है और हमें अच्छी लगी है, वोट भी हम उसको देंगे केजरीवाल साहब को, लेकिन जो हमारा MLA उसने हमारी जगह में कभी आगे काम नहीं किया, भाई साहब MLA भी तो आम आदमी पार्टी का, यही तो प्रॉब्लम है, केजरीवाल को आप पसंद कर रहे हो, उनके MLA ठीक नहीं है, आप पसंद नहीं कर रहे हो, फिर वोट का क्या फायदा हुआ, यही तो बात कह रहा हूँ ना, ये तो मैनेजमेंट है, आप विधायक को हटाया जाए, दूसरे विधायक को बिठाया जाए, विधायक को डाला जाए, और क्या किसको हराए, किसको वोट दे, मतलब यहाँ पे असमंजस स्थिति में यहाँ पर आम जनता मिल रही है, मेरे को इनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रकाश जारवाल से ना खुश है, और सत्ता परिवर्तन की बात करें मोटा मोटी तौर पर ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से खुश है, कई बोल रहे हैं बीजेपी से, तो बहरहाल ये देखना बाकी रहेगा, समय बताएगा, यहाँ पर जे कैंप डिगड़ी से देवली विधानसभा 47 से हमने आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश की, जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ इसी प्रकार।